Assalamualaikum friends, it's me Dr. Salman Khan from Clear Vision Eye Care and Optics. आज का टॉपिक है एम्ब्लायोपिया, लेजी आई, एक आम की नज़र कमज़ोर होना। ये मोस्टली बच्चों में होता है, बाय बर्थ होता है। जो हमारी आंख होती है वो ब्रेन के साथ सही कोऑर्डिनेशन नहीं करती, जिस वजह से वो एक आंख लेजी रह जाती है, उसमें नज़र बिल्कुल कम हो जाती है। मेन कॉजेज इसकी या तो रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से होती है, या स्ट्रैबिस्मस जिसको बेंगापन बोलते हैं उस वजह से होता है, या क्लाउडीनेस ऑफ लेंस, अगर कंजेनिटली लेंस पे पर्दा है, कैटरेक्ट है, उस वजह से भी एम्ब्लायोपिया कॉज होता है। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट तो जो कॉज है या रिफ्रैक्टिव एरर है तो हम आपकी रिफ्रैक्शन करके आपके एनक का नंबर निकलवाते हैं, या अगर स्ट्रैबिस्मस है तो उसको ट्रीट करते हैं, या क्लाउडीनेस ऑफ लेंस है तो उसकी सर्जरी हो जाती है, लेंस उसमें इम्प्लांट हो जाता है। पहले तो वो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, उसके बाद हम पैचिंग देते हैं। जो बच्चा होता है उसको हम पैचिंग देते हैं 2 घंटों की या 4 घंटों की, इन सिंपल वर्ड्स जो आंख पे पट्टी लगाते हैं। लेकिन मोस्टली हमारे कम्युनिटी के लोग इसको फॉलो नहीं करते, जितने भी बच्चे होते हैं वो पैच नहीं लगाते आंख पे, जिस वजह से बिल्कुल उनका एम्ब्लायोपिया ठीक नहीं होता। लेकिन मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि पैचिंग से बच्चे की नज़र बिल्कुल ठीक हो जाती है, अगर वो पैच लगाए 2 घंटों के लिए या 4 घंटों के लिए, जितना आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। अगर वो बाकायदगी से डेली उसको फॉलो करे तो उस आंख की नज़र बिल्कुल बहाल हो जाती है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अगर आपने चेक करना है कि आपको एम्ब्लायोपिया तो नहीं है, तो सिंपली आप अपने एक आंख पे हाथ रखें और देखिए आपको क्लियर नज़र आता है, फिर दूसरे आंख पे हाथ रखिए, अगर आपको क्लियर नज़र आता है तो आपको एम्ब्लायोपिया नहीं है। अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आता एक आंख से भी, तो आप अपना आई एग्जाम कराएं, देखिए आपको एम्ब्लायोपिया तो नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।